अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोहसिन सुल्तान। कैसे हैं आप सब? तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है लाहौर दिल्ली गेट से। लाहौर दिल्ली गेट आए हम, मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं जिसमें है रॉय बिहाइंड द कैमरा, अब्दुल्ला, और साथ है हमारे सकलैन जो कि शायद कैमरा में आना नहीं चाह रहे। अभी हम लाहौर दिल्ली गेट आए हैं। लाहौर दिल्ली गेट की भी हिस्ट्री है, अभी मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ, आ जाएं। और इस वक्त मैं मौजूद हूं हिस्ट्री में। ये है लाहौर के 13 दरवाजों में से एक दरवाज़ा जिसका नाम है दिल्ली गेट, जो मैंने अभी आपको बताया है। दीवारें देखें, अभी इस वक्त मैं आ चुका हूं गली सुरजन सिंह में। तो गली सुरजन सिंह एक हकीम साहब थे, और ये जो हकीम थे ये रॉयल फैमिली का इलाज किया करते थे। ये उनकी याद में ये गली बनाई गई है, वो यहां पे रहा भी करते थे। ये है गली सुरजन सिंह। और यहां पे मैं एक और बात क्लियर करता हूँ, ये जो गली सुरजन सिंह है ये 2006 या 7 में वर्ल्ड बैंक का कोई आई थिंक सीईओ या कोई आया था यहाँ पे गली देखने, तो यहाँ की जो हालत थी बहुत ही ख़राब और खस्ता थी। तो वर्ल्ड बैंक ने और जर्मनी ने, इन दो मुल्कों ने मिलके इस गली को रेनोवेट किया, और आज ये गली इस तरह से दिखती है। ये लाहौर की वो गलियां हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इतनी तंग है कि अगर एक आदमी और एक औरत अगर इन गलियों से एक साथ गुजरे तो बीच में सिर्फ निकाह की जगह रह जाती है, बीच में सिर्फ निकाह रह जाता है। ये वो गलियां, इस वक्त मैं मौजूद हूं मस्जिद वजीर हाल में, और सुबह के 8 बज रहे हैं। इस वजह से मैं आपको मस्जिद अंदर से नहीं दिखा पाऊंगा, बट ये वो ही मस्जिद है जिसके अंदर बिलाल सईद और सबा कमर ने शूटिंग की थी एक सॉन्ग की, और उसके बाद उन पर केसेस हो गए थे। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सुबह मस्जिद बंद है, मैं अंदर से नहीं दिखा पाया, बट बाहर से सीन दिखा देता हूँ। जब आप इस किस्म के हिस्टोरिकल प्लेसेस पे आते हो, स्पेशली जब मैं यहाँ पे आता हूँ इस किस्म की जगहों पे, तो मुझे एक गेम थी उसका नाम था असैसिन क्रीड, मुझे इस टाइम वो याद आ रही है, असैसिन क्रीड। क्यों अब्दुल्ला? बिल्कुल सही कहा आपने, यू आर स्वेटिंग सो मच यार, गर्मी लग रही है बहुत। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद वजीर खान के अहाते में, अहाता यानी जो बरामदा होता है, जो सहन होता है। अभी हम वहाँ पे आ गए, देख सकते हैं मस्जिद इस वक्त फिलहाल। गाइस देख सकते हैं, ये सिर्फ इंटरेस्ट है सर, और यू कैन सी के
एक बिल्कुल अमेजिंग किस्म की फीलिंग्स आ रही हैं इसके बाहर खड़े होकर। और यहाँ पे मस्जिद का दरवाज़ा जो है वो बंद है, इस वजह से मैं आपको अंदर से दिखा नहीं पा रहा, सॉरी। अंकल जी अंदर से देख सकते हैं अभी? थैंक यू, खुल गया, बहुत शुक्रिया जी। पानी से धोया है इस वजह से मेरे मुंह पे पानी है, ये मैं समझेगा कि मुझे पसीना आ रहा है, बट पसीना आया भी, बट इस पसीने के आगे इस मस्जिद की खूबसूरती ऐसी है कि मुझे भूल गया, गर्मी का एहसास भूल गया इस मस्जिद की खूबसूरती देखते हुए। क्लोजअप से दिखाते हैं, हर चीज़ यहाँ पे हैंडक्राफ्ट है, आजकल के इंजीनियर्स ऐसी चीजें नहीं बना सकते। तू चर्च चल रहे। और ये देखें जी, यहाँ पे सरदार बहुत हैं दिल्ली गेट में, बहुत सी दुकानें उनकी यहाँ पे, ये पुरानी पुरानी इमारतें देखें आप, और वो सामने एक और शॉप, पास जाके दिखा दूंगा। अच्छा जी, ये कोई कॉस्मेटिक की शॉप है, तो सरदार जी ने आप ही नो कमेंट। चाचा जी सब तो बेहतरीन शरबत कह रहा है, सबसे बेहतरीन शरबत बना दें फिर, चार गिलास बनाएं बेहतरीन किस्म के। पियो 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 पियो। क्या कहा है? थोड़ा कट कहता है, थोड़ा कम है पहले से। कैसा है? कैसा है अब्दुल्ला? लो हमें लगी थी बहुत ज्यादा प्यास और इस मखलूक को भूख भी लगी है। मुझे इन लोगों ने दो गिलास पिलाए हैं, मैंने वजह पूछी तो कहते थोड़ा जरा कुल्चियां से हाथ होला रहेगा। हमने कहा तुम नान फिर कम खाओगे, कुलचे कम खाओगे। खैर गाइस, हम जा रहे हैं इस वक्त हाफिज़,
हाफिज बताता हूँ कहना शॉप जी ओके। और नाश्ते से पहले ही हमें प्यास लग गई गर्मी की वजह से, मेरे मुंह पे पसीना आप सब देख सकते हैं। अभी हमने पिया है संदल और बजूरी वाला शरबत। रवि हम यहाँ पे आए हैं शाही हमाम पे, और शाही हमाम जो है इस वक्त बंद है। और अब्दुल्ला का ये कहना था कि मैं शाही हमाम में जाके नहाना चाहता हूँ, मुझे बादशाहों वाली फीलिंग्स लेनी है। मैंने कहा क्योंकि अभी शाही हमाम बंद है, तुम बाहर बैठ के फकीरों वाली फीलिंग्स ले लो। चल पुट चलिए तो। ओके व्यूवर्स, यहाँ पे इस वक्त तकरीबन 8:45 हो रहे हैं और अब दिल्ली गेट से निकल के हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने लोहारी गेट, नानचने का नाश्ता करने। अब आप सबको मैं वो भी दिखाता हूँ। नाइस। ये भाई कैम में कुछ कहना चाह रहे हैं। जी भाई, आप इस कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? कौम को ये पैगाम देंगे कि वेले रहें, आप काम में कोई नहीं है। काम में कुछ नहीं रहा जी भाई। आप क्या करते हो वैसे? मैं वेला ही हूँ, मेरे को कैमरे से नहीं आ रहे। भाई आप क्या करते हो? ये मेरा बिजनेस है गाड़ियों का। माशाल्लाह। भाई आप क्या करते हो? पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हो? आईकॉम। भाई आप क्या करते हो? मैंने 10 के पेपर दिए हैं, फ्री हूं मैं। और आप क्या करते हो? माशाल्लाह आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। क्या करते हो आप? फ्री हूं। आप क्या करते हैं? तो यहाँ पे मुझे मिल गए मेरे फैंस, इन्होंने मुझे पहचान लिया। ये प्रैंक हो गया आपके साथ। और अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं लोहारी गेट पे। लोहारी गेट घूमने नहीं आए, सिर्फ एक काम के लिए आए हैं, वो काम है हाफिज जी के नानचने खाने के लिए। भाई क्या हुआ, ये हड्डियाँ मांग रहा है? ओके व्यूवर्स, तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। हाँ जी, हम यहाँ पे आ चुके हैं चने खाने के लिए। एंड सॉरी गाइस, मेरी व्लॉगिंग के चक्कर में आप सब लेट हो गए। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, माशाल्लाह। ये आपका टेस्ट बहुत अच्छा है कि जिसकी वजह से हमें आज दोबारा यहाँ पे आना पड़ गया। मैं अंदर आके दिखाता हूँ। अच्छा ये क्या है? ये मटन का शोरबा होता है। ये मटन का है? ये कोफ्ते हैं, बीफ कोफ्ते हैं। ओके। और ये चने होते हैं जो कि इसके शोरबे के अंदर मिक्स करते हैं। सही। और जरा यहाँ पे इन सबको ये भी बताएं कि आपकी जो शॉप है वो कितनी पुरानी है? ये तकरीबन 37-40 ईयर्स। अराउंड 40 ईयर्स। मैं फर्स्ट बाइट लेने लगा हूँ कोफ्ता चने के साथ। जिंदाबाद मुबशर पुत्र, स्वाद आ गए। शुक्रिया गरीब। जिंदगी में बहुत से चने खाए हैं, ट्रस्ट मी, झूठ नहीं बोल रहा। इस तरह के मटन चने मैंने लाइफ में पहले कभी नहीं खाए। क्यों जी? मज़ा आ गया। हाँ जी, यस सर। हाँ जी, मज़ेदार। दोबारा से मज़ेदार। ओके, तो व्यूअर्स इस वक्त सुबह के तकरीबन 9 बज रहे। नाश्ता हमारा हो गया लोहारी गेट से। नाश्ता तो हम तीनों भी बहुत ज्यादा पसंद आया। मजेदार नाश्ता था यार, मछली हाफिज जी खा गए। और आप सबको याद, बहुत एक फनी बात बताऊं, वहां पे जाके मेन्यू लगा हुआ तो अंदर रॉय कहता है यार मछली वाले चने नहीं खाने, सर्दियों में आके खाएंगे, मछली के चने नहीं खाने। मैं कहा मछली के चने तो उनका होता नहीं। कहता एक मिनट, कहता वो लिखे हुए हैं, अब मुकर मत, कहता वो देख सामने लिखे हुए हैं मछली वाले चने। मैंने जब देखा मेन्यू पे तो उसके ऊपर लिखा हुआ मछली वाले चने, वो मछली थी बकरे की जो होती है ना, रान की जो पीस होता है उसको मछली बोलते हैं। ये समुंदर वो दरिया वाली मछली समझ रहा था। आज का व्लॉग लोहारी गेट में ख़त्म करते हैं। स्टार्ट किया था दिल्ली गेट से, एंड करते हैं लोहारी गेट पे। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, MOHSINSULTAN.17 मोहसिन सुल्तान .17। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, अल्लाह दो में याद रखें। बाय बाय। अभी हम आ चुके हैं लाहौर माल रोड पे, घर वापस जा रहे हैं। और मुझे एक चीज़ याद आई कि मैं आप सबको बता दूं कि मेरा जो सॉन्ग है
वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा और अब आप सबने मुझे बताना है कि वो किस दिन मैं अपलोड करूँ। ये ट्रेलर सुन ले। तो ये था सॉन्ग का म्यूजिक। अब आपने मुझे डेट बतानी है कि मैं किस डेट पे सॉन्ग को अपलोड करूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय।